किचन में हमारे टाइल लग चुके हैं और उसकी फिलिंग वगैरह मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर आपको किचन के लुक दिखाते हैं, पीछे हटना चाहते हैं। ये जी किचन की लुक, ये टाइलें लगाई गई हैं। यहाँ पर कुकिंग रेंज आ जाएगा, यहाँ पर डिश वॉशर आ जाएगा, यहाँ पर जो है वो फ्रिज आ जाएगा। तो अभी बेसन वगैरह लगने वाला, तो वो भी इंशाल्लाह एक आधे दिन में लगा लेते हैं। ये आप किचन के लोग देख सकते हैं। सिर्फ बेसन और चूल्हा लगाना रह गया, बाकी ये टाइलों का कलर आप देख सकते हैं। ये वाली टाइलें लगाई हैं। अब इंशाल्लाह कल से नीचे वाला पोर्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा, उस पर फाइनल कोट किया जाएंगे, बिजली वाले अपने बटन वगैरह लगाएंगे, तो वो भी काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कैबन वगैरह में हमारे मसला आ रहा था, उसका दरवाज़ा फंस रहा था, तो वो भी उन्होंने ठीक कर दिया। उसमें हल्का सा क्लिप जो था वो लूज़ करने वाला था, तो बआसानी कैबन का दरवाज़ा खुल रहा है। आप देख सकते हैं क्लिप थोड़ा सा लूज़ था, अब बआसानी खुल रहा है और बंद हो रहा है। ये देख सकते हैं थोड़ा सा इशू था, लेकिन वो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। ये अब देखें ये बंद हो गया और अब बिल्कुल इजीली खुल रहा है और ये ओपन हो गया। तो ये वाला वॉशरूम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है ऊपर वाला। अब हम जितना भी काम होगा वो नीचे करवाएंगे, उसको ख़त्म करवा। ये चूल्हे में गैस आनी स्टार्ट हो गई है, चूल्हा जलना स्टार्ट हो गया। गैस का प्रेशर बड़ा करता है ना, नहीं वैसे मेरे ख्याल सोसाइटी ही घट है प्रेशर, तो ना ही होने बराबर है, उसे तो तलंग करके चलती है। तो ये जो हमारा चूल्हा इंस्टॉल हो चुका है, ये कुकिंग रेंज, तो अभी गैस इसमें छोड़ के देख रहे हैं, ठीक हो गया जी। ये पिछों काट आ रही है, पिछों काट है, तो हाथ रख के चेक करेगा। वो तो हाथ रख के तो है, लेकिन पांबड़ जिस तरह बलता ना वो नहीं बलता, पांबड़ वाला सिस्टम कोई नहीं है, मठा मठा ही काम है। ठीक है जी, ज़बरदस्त हो गया। यहाँ पर हमारा ये बेसन भी लग चुका है, ऊपर मिक्सर भी लगा दिया गया है, इसके ऊपर बाल्टी रखी पानी की भर के, ताकि ये अच्छी तरह फिक्स हो जाए। इस पर सिलिकॉन लगाई गई है। नीचे वाला चूल्हा भी फिट हो चुका है। करो जी फता, गैस चलाना लिए। अच्छा अच्छा, नीचे वाले किचन में जो है गैस वो चालू आज कर दी उन्होंने, गैस प्रेशर चेक कर। हाँ गैस का प्रेशर आ रहा है, ठीक है। ये टैंकी में फ्लोर स्विच हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिए हैं। यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखा सकें फ्लोर स्विच लगे हुए, तो ये यहाँ तक ही भरेगी टैंकी, तो ऑटोमेटिकली जो है वो मोटरें नीचे से बंद हो जाएंगी। नीचे वाली टैंकी में भी लगा दिया गया और ये ऊपर वाली टैंकी में तार जा रही है, ये भी यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। तो बिल्कुल ठीक चल रहा है सिस्टम, चलो ठीक है जी। बंद किचन की जो खानों के नीचे लाइटें लगी हुई थी, उनके कनेक्शन नहीं हुए थे, वो भी हो गया मुकम्मल। हुड भी हमारा लग चुका है, एक थोड़ा सा मसला रह गया कि इस पाइप को थोड़ा सा आगे करके इसमें ये लगाना है। ये भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं, ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बार बताता चलूँ कि कैमरे वगैरह भी हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, ये भी आप लोगों को चला कर दिखाऊँगा मैं। चार कैमरे नीचे इंस्टॉल हुए हैं, पाँच कैमरे ऊपर हैं। ये जो है इंटरकॉम को भी सिस्टम लग चुका है, तकरीबन हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इंटरनेट का जो है मेन कनेक्शन बाहर से करना है पीटीसीएल वालों ने, यहाँ पर इंटरनेट का भी मेन कनेक्शन लग चुका हुआ है।